अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। मुरादाबाद के पाकबड़ा में दैनिक जागरण के सहयोग से नगर में कैलशा रोड स्थित प्रदर्शनी परिसर में शनिवार की शाम से हस्तशिल्प नुमाइश मेले का आयोजन किया गया। इस नुमाइश मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि पाकबड़ा के चेयरमैन मतपति मोहम्मद याकूब एवं हाजी नासिर, मेला संचालक शमीम अहमद, शिबू मंसूरी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर हल्का इंचार्ज कुलदीप तोमर एवं एसआई फरमान की मौजूदगी में पुलिस प्रशासन तैनात रहा। पाकबड़ा के प्रदर्शनी परिसर में लगे इस हस्तशिल्प नुमाइश मेले में तरह तरह के झूले लगे हुए हैं। मेले में नुमाइश मेला परिसर में दो अलग अलग प्रकार की ट्रेनें हैं। नगर के अलावा आसपास के ग्रामों में भी बड़ी संख्या में बच्चे इस मेले में पहुंचे। इस दौरान शमीम ठेकेदार, विक्की सरफराज, सलमान, दानिश मंसूरी आदि मौजूद रहे। आज नुमाइश परिसर में पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं मोहम्मद याकूब, आपका बेटा, आपका भाई। नगर पंचायत पाकबड़ा की ओर से गुजारिश करना चाहता हूं कि हस्तशिल्प जो प्रदर्शनी लगी है कैलशा रोड पर, यहां पे आकर के जो जितने भी प्रोडक्ट लग रहे हैं, जो दुकानदार आए हैं, उनसे अच्छे सस्ते दामों पर सामान खरीदें और यहाँ झूले जो लगे हैं और भी सारी चीज़ें हैं, ये मनोरंजन केंद्र बना और रोजगार के लिए भी एक आधार बना। ये आधार हमारे तुम्हारे लिए खुशियों का है। ये प्रदर्शनी आपका हमारे लिए जागरूकता का पहचान है। ये बल्कि आसपास जितने भी इलाका है उनके लिए एक अच्छा जागरूकता का आधार बनेगा। यहाँ पर और प्रदर्शनी में भाग लें। अच्छा, कितने दिन चलने वाली है प्रदर्शनी? ये लगभग एक महीना चलने वाली है। अच्छा, प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, किसके माध्यम से किया गया है? ये हमारे जो ठेकेदार हैं सनी मिर्जा और ये जैनी चावल की तरफ से हस्त प्रदर्शनी लगाई गई है, उनकी तरफ से किया गया है। जनमानस से अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ लोग आएँ और यहाँ आकर के जो सस्ते दामों पर चीज़ मिल रही है उनका लाभ उठाएं और एक जागरूकता हासिल करें किस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ पर बन रही हैं देश के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर। अच्छा, आज जो हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ आपने फीता काट कर किया है, इसमें आप आने वाले मेहमानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाले मेहमानों को संदेश यही देना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छी जगह प्रदर्शनी लगाई गई है और यहाँ पर आएँ और आकर के यहाँ जो सेवा की जा रही है उस सेवा का लाभ उठाएँ और अपने बच्चों को भी लेकर के आएँ। मनोरंजन का भी साधन है तो बच्चों को मनोरंजन करें कराएँ और ये एक अच्छी चीज़ है, इंसान का जानकारी भी बढ़ती है और जो है एक माइंड फ्रेश होता है मनोरंजन करने के बाद। जी भाई जी, आज यहाँ प्रदर्शनी पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों से? यहाँ पर आएँ, एंजॉय करें जी और जो भी यहाँ पर खरीदारी करनी है खरीदारी करें, लोगों की मेहनत से ये लगाई हुई है सबके लिए, यहाँ पे एंजॉय करें, कुछ फालतू बात से लड़ाई झगड़ा नहीं करें और जो भी यहाँ चीज़ें आई हुई हैं मेले में उसे खरीदें और झूले लगे हुए हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े झूले लगे हैं, इसका एंजॉय करें। आवाम से क्या अपील रहेगी आपकी, जनता को लेकर क्या अपील रहेगी आपको? आह्वान ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और इन्जॉय करें। इस बार कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, जैसे पिछली बार कोरोना के टाइम में नहीं लग पाया था तो अब पहले के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं, लोग बाहर आ रहे हैं, अच्छा है, अच्छा माहौल है यहाँ पर, बहुत साफ सुथरा माहौल है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और यहाँ पर सिर्फ इन्जॉय करें, शैतानी दंगा या कोई काम यहाँ पर देख रहे हैं, ये अपील करना चाहूँगा यहाँ की जनता। क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या उद्देश्य है इसका? ये हर साल की तरह इस बार बच्चों के मनोरंजन के लिए पाकबड़े की आवाम के लिए ये मेला लगाया गया है, जिससे कि पाकबड़े नगर पंचायत की आवाम वो लोग इंजॉय कर सके और मनोरंजन कर सके। आसपास की सभी जनता से क्या कहना चाहिए? बस आसपास की सभी जनता से अपील करते हैं मेले में आए, अच्छे अच्छे झूलों का, बीना बाजार का और हलवा प्रांत का और सेफ्टी का खा पी के मनोरंजन करके अपना आनंद लें।